हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ट्रैवल विद कृष्णा ठकुरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको दिखाने ले जाऊंगा त्रिवेणी घाट। तो फ्रेंड्स, वहां पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो तो मैं वहीं जाके ही आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ और आइए चलते हैं। हेलो गाइस, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणी घाट। तो ये घाट बहुत ही फेमस है। तो ये देखिए गाइस, ये आपको रास्ते में ही मिल जाएंगे। जय भोलेनाथ। यहाँ से आपका एंट्री द्वार और त्रिवेणी घाट, ये एक्चुअली ये बनाया था बाजीराव ने 1748 में। तो तब से ये घाट बहुत फेमस है और यहाँ पे पूजा आरती भी होती है। ये बिल्कुल गंगा घाट के किनारे में है। इसको बोलते हैं त्रिवेणी घाट। और यहाँ पे इस घाट के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए। तो गाइज, ये कुछ लिखा हुआ है और ये उत्तराखंड टूरिज्म का ये है। तो त्रिवेणी घाट के दर्शन आप कर ही लीजिए आज। कुछ ऐसा दिखता है वो, उस तरफ गाड़ी पार्किंग एरिया है। तो मैंने अपनी गाड़ी उधर ही खड़ा किया है, मैंने अपना गाड़ी, और ये है घाट। आइए आपको घाट की तरफ लेके चलता हूँ। ये मछलियों को खिलाने वाला चारा है। ये मछली को खिलाने वाला है ना दीपक है। मछली वाला दाना कहाँ है? मछली वाला दाना भैया अभी बनाएंगे। अच्छा, बनाएंगे अभी। चलिए, गुड। ये देखिए, यहाँ पर शिव जी और गौरी मैया मूर्ति। साधु संत लोग यहाँ बैठे हैं, विश्राम कर रहे हैं। यहाँ आपको खाने के लिए भी मिल जाएंगे अगर आप कुछ खाना चाहें, गोलगप्पे, चना चटपटा।
कितने का है भैया? 20, 40, 50। ओके, क्या है चटपटा? ओके ओके ओके। और यहाँ पे बहुत ही पुराना बट वृक्ष आपको मिलेगा। यहाँ पे शिव जी की मूर्ति है, शिवलिंग, ये देखिए। जय भोलेनाथ। यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा, शिवलिंग वगैरह और केदारनाथ की मूर्तियाँ और रुद्राक्ष की मालाएं और सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा अगर आपको लेना हो तो। ये देखिए शिव जी की मूर्तियाँ, आदिदेव। ये ऊपर एक बहुत बड़ा स्तुति बनी हुई है जो ये महाभारत का है। ये श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कुछ समझाते हुए। त्रिवेणी घाट के दर्शन भी कर लिए हैं और मैं अभी आपको ऋषिकुंड भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप जब भी यहाँ त्रिवेणी घाट में आए तो आरती के टाइम पे आना चाहिए। यहाँ पे आरती आरती का समय है यहाँ का शाम को 6 बजे से लेके 7 बजे तक, 1 घंटे की आरती होती है। तो आप उससे आधे घंटे पहले ही आप यहाँ आके आ जाइएगा, क्योंकि आधे घंटे पहले आने से क्या है कि आप यहाँ आरती में बहुत भीड़ होती है तो आरती में आपको जगह मिल जाएगी अगर आप थोड़ा पहले आएंगे तो। गाइस ये है एक मंदिर जो ऋषिकुंड के पास में ही है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे काली माता का मंदिर है, काली माता मूर्ति और एक शिवलिंग भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। ये ऋषिकुंड है ना? ऋषिकुंड है ये जमुना माता है। जमुना माता है, हाँ जमुना माता। और ये क्या है? ये ललिता देवी है। हाँ जी, ललिता देवी, ललिता देवी, ललिता देवी लिखा है। तो ये जमुना कुंड यहाँ कैसे निकला, जरा आप बताएंगे? हाँ, ऋषि कुंड जो है जी बताएं, जमुना माता को जो है ऋषियों ने प्रकट किया था। इस तरह से जो है जमुना माता जी को प्रकट करने के बाद में फिर ये ऊपर लाए थे जमुना जी को ऋषियों ने, इसी का नाम जो है ऋषिकुंड और ऋषिकेश पड़ता है। हाँ, हमारी जो है ऋषियों ने पवित्र करके और इसको प्रकट किया था जमुना माता को। हाँ, जमुना माता, गंगोत्री, जमुत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये चारों धाम हो गए और जमुना है जमुत्री में, तो इसलिए जो जमुना जमुना माता है। जमुना जी जो है प्रकट धरती से हुई। अच्छा, नहीं किसने प्रकट किया है? वो ऋषियों ने, हाँ ऋषियों ने तपस्या करके, ऋषियों ने प्रकट किया और ऋषियों ने जो है इसको ऋषिकेश, इसी के नाम से ऋषिकेश हो जाता है। इसलिए पवन मोक्षदायिनी पापनाशिनी माँ गंगा है जो कि हमारी उत्तराखंड देवभूमि, इसलिए जो है मोक्षदायिनी माँ गंगा है, इसलिए भोलेनाथ की जटाओं में प्रवेश हो गई। हाँ, कहने लगी कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है धरती पे। भोलेनाथ ने कहना कि चिंता मत करो, हम ही रोकेंगे। भागीरथ जो बोले, प्रभु आप तो आपको ही रोकना पड़े, क्योंकि सगर के बेटा 60,000 कपिल मुनि महाराज के आश्रम में पड़े हुए थे और वो जो है प्राप्त जो है गंगा माई ने उनको भवसागर से पार कर दिया। इस तरह से ऋषिकुंड, ऋषिकेश, एक पेड़ में से 3 पेड़ हैं जो कि आज तक कोई जानता नहीं है और वो है जो सामने है। इसलिए बड़ पीपल और बड़ पीपल। हाँ, अमनी अमनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय हो, जय ऋषिकुंड, जय जय हो। लिखा हुआ ऋषिकुंड और ये बिल्कुल जस्ट त्रिवेणी घाट के बगल में ही है। जैसे आप त्रिवेणी घाट के दर्शन कर लेते हैं, आरती उरती ख़त्म करने के बाद, फिर आप यहाँ के ऋषिकुंड के दर्शन
अवश्य कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही, ये जो कुंड है ये यमुना जी यहाँ से प्रकट हुई है कहते हैं। तो कैसे प्रकट हुई ये ऋषि वो बाबा ने आप बता ही दिया है हमें। ये देखिए, ये देखिए मछली, कितनी बड़ी मछली है ना, ये देखिए। वहाँ भी और ऋषिकुंड के बाहर ही एक मंदिर है, ये देखिए। जय शनि। तो फाइनली गाइज यहाँ आके हमारी यात्रा समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया कि मैं नया हूँ, तो मुझे इतना बोलना भी नहीं आता, तो अगर मुझसे गलतियाँ हुई होंगी पक्का तो मुझे क्षमा कर देना। यहाँ पे घूमने के लिए तो बहुत जगह हैं वैसे तो, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं मैंने वहाँ आपको दिखाया घुमाया। और भी चीज़ें हैं जहाँ मैं आज नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि इसके लिए समय चाहिए होता है, 3 से 4 दिन लगते हैं यहाँ घूमने के लिए। तो यहाँ घूमने के लिए जैसे कि बीटल्स आश्रम है, तपोवन है, और यहाँ पे राफ्टिंग वगैरह है, पंजिंग जंपिंग है, यहाँ पे कैंपिंग वगैरह होती है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे ना अराइव की जाती हैं। मैं आपको ये बीटल्स आश्रम के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। मैं वहाँ नहीं जा पाया, आपको वहाँ नहीं दिखा पाया, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। बीटल्स आश्रम एक्चुअली में 1968 में यहाँ पे एक इंग्लिश रॉक्स बैंड बीटल्स आए हुए थे यहाँ पे मेडिटेशन के लिए। तो जब वो यहाँ पर आए थे तो उनको बहुत अच्छी लगी वो जगह, और वहीं पे ही रहकर उन बीटल्स ने अपने सबसे फेमस गाने वहीं बैठकर लिखे थे। जितने भी उसके फेमस गाने हैं, बीटल्स को तो आप जानते ही, नाम सुना ही होगा आपने, तो सारे जितने भी सुपरहिट गाने बीटल्स ने वहीं पे बैठ के लिखे थे। तो तब से उस जगह का नाम ही बीटल्स आश्रम रख दिया गया है। तो वहाँ पे मेडिटेशन होता है, तो अगर आपको मेडिटेशन करना हो तो साथ में एक मैट लेके जाइएगा वहाँ पे। और यहाँ पे ऋषिकेश में इसके अलावा और योग वगैरह भी सिखाया जाता है, यहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता है, और इसके अलावा राफ्टिंग वगैरह तो होती है, मैंने आपको बता दिया है, बंजिंग जंपिंग होती है। तो वहाँ पे बंजिंग जंपिंग का कॉस्ट है 3700 रुपये आपका जंपिंग का चार्ज लगेगा, बाकी वीडियोस बनाना वहाँ अलाउड नहीं है, अपना खुद का वीडियोस नहीं बना सकते, उनका ही कैमरा लगा होता है। तो वो जो कैमरे का वीडियो अगर आप लेना चाहें तो उसका 900 रुपये अलग से पेड करना पड़ता है। तो ये जो ऋषिकेश में जो अभी एक और बना है बंजिंग जंपिंग, जो शिवपुरी में है, पहले जहाँ मैंने किया था जंपिंग वो मोहन चट्टी से आगे जाना पड़ता था नीलकंठ वाले रोड में, तो वहाँ पे मैंने जंपिंग किया था, लेकिन उससे भी हाईएस्ट जो जंपिंग है वो अभी शिवपुरी में बन गया है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट जो बंजिंग जंपिंग है वो यही ऋषिकेश का ही है, पूरे इंडिया में इससे और दूसरा कोई हाईएस्ट जंपिंग नहीं है। तो आप आइए ऋषिकेश और इन सभी चीज़ों का लुत्फ़ उठाइए, कैंपिंग के मज़े लीजिए, और यहीं से ही आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वैली ऑफ फ्लावर है, चोपता है, औली है,
और इसके अलावा इधर धनोल्टी है, और ये सब चीज़ें आप यहाँ इसी ऋषिकेश से ही आपको जाना पड़ता है। तो आप आइए और इन्जॉय कीजिए। गर्मियों के टाइम में यहाँ इतनी गर्मी नहीं है जैसे दिल्ली उधर नीचे हरियाणा साइड में होता है, पंजाब साइड में इतना गर्मी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय, टेक केयर।